मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की ये कोशिश रहती है कि इस्लामी नए साल यानी मुहर्रम के इस महीने में हर साल आपको कुछ ना कुछ नया सुनाएं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मुसलसल पिछले 3 सालों से आप हज़रात शहादत इमाम हुसैन वॉल्यूम 1, दूसरी बार कातिलाने हुसैन का अंजाम यानी वॉल्यूम 2 और पिछली मर्तबा वॉल्यूम 3 सुगरा का ख़त आप हज़रात की नज़र के सामने से गुज़रा है और आपने सुना है। लिहाजा एक ज़रूरी बात जो रह गई है वो है बिनाए करबला, यानी करबला में ये जो खुरेजी हुई, हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की जो शहादत हुई, इसकी बिना क्या थी और इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी। इस बार हम आपको शहादत वॉल्यूम 4 यानी बिनाए करबला सुनाने जा रहे हैं। हजरत इस बात को गौर से सुनिए कि हजरत अब्द मुनाफ जो क़ुरैशी ख़ानदान से थे, जिन्हें सब लोग सरदार मक्का मानते थे, जब उनके 2 बेटे पैदा हुए जिनकी पीठ जुड़वा थी और उनको तलवार से अलहदा किया गया था, एक बेटे का नाम उमैया और दूसरे का नाम हाशिम रखा गया। अबू सुफियान, मुआविया, यजीद ये सब उमैया से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ उमैया से है। हमारे हुजूर हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन ये सब औलाद हाशिम में हैं। तो जब इनके तलवार से 2 अलहदा टुकड़े किए गए थे, इन दोनों भाइयों को अलहदा किया गया था, तो उसी वक्त ये बात मशहूर हो गई थी कि इन दोनों ख़ानदानों में हमेशा झगड़ा रहेगा। और आगे क्या क्या होता है, आइए मैं आपको बिनाए करबला सुना रहा हूँ, जिसके शायर हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर मोहतरम शौक वज़ीर गंजवी, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ऑलविन ब्राउन, आवाज़ है तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की, और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की। लीजिए समात फरमाइए बिनाए करबला। बदी की राह से हरगिज़ कभी मंजिल नहीं मिलती, अगर बुनियाद हक पर है तो वो हरगिज़ नहीं हिलती। खुदा की राह में मिटकर हमेशा चैन मिलता है, कभी शैतान जन्नत में कली दिल की नहीं खिलती। कभी शैतानी जन्नत में कली दिल की नहीं खिलती, ये हकीकत है। इसीलिए तो शौक वजीर गंजवी कहते हैं, सुनो ऐ शौक है ये वाकया सब्रो सदाकत का, सुनो ऐ शौक है ये वाकया सब्रो सदाकत का। खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का, खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का, खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का। सुनो ऐ शौक है ये वाकया सब्रो सदाकत का, सुनो ऐ शौक है ये वाकया सब्रो सदाकत का, सुनो ऐ शौक है ये वाकया सब्रो सदाकत का। खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का, खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का, खुलासा पेश करता हूँ तवारीख़े शहादत का।
फरमाइएगा। बड़ी पुर दर्द है ये दास्ताने करबला, सुन लो जिगर थामो अकीदत से बयाने करबला, सुन लो ये खूनरेजी हुई बाहम, सुनो इसकी वजह क्या है, करो मालूम लो सुन लो बिनाए करबला क्या है, सुनो किस किसने आले मुस्तफा पर जुल्म उठाए हैं, वो जालिम कौन था किसने ये सब फितने उठाए हैं, कुरैशी खानदान में थे बशर अब दे मुनाफे से, उन्हें सरदार मक्का मानते थे सब अरब वाले, पिसर पैदा हुए तो उनके जिनकी पुश्त जुड़वाती, सभी कहते थे रह पाएगी कैसे जिंदगी इनकी, ये सोचा के जुदा कर दे तो शायद एक बच जाए, गरज तलवार से दोनों अलहदा कर दिए बेटे, खुदा की शान दोनों की रही फिर जिंदगी कायम, उमैया नाम एक का दूसरे का रख दिया हाशम, अबू सुफिया मुआविया यजीद मुबी नसल के हैं, रसूल अल्लाह अली हसनैन है औलादे हाशम में, किए तलवार से जुड़वा अलग उसका असर आया, चली तलवार दोनों की नस्ल में और रहा झगड़ा, मिली औलादे हाशम के लिए मक्के की सरदारी, रही इस वास्ते सब उम्मीदों के दिल में बेजारी, रसूल अल्लाह ने अपनी रिसालत के करीने से, अल्लाह ने अपनी रिसालत के करीने से, रसूल अल्लाह ने अपनी रिसालत के करीने से, अदावत और कदूरत दूर कर दी सबके सीने से, अदावत सबको सबक ऐसा हुए आपस में भाई भाई, सबको दीन प्यारा था, मगर इब्ने हकम मरवान जो चालाक इंसान था, बदी थी उसकी नियत में बजाहिर वो मुसलमान था, उमैया खानदान से था ताल्लुक मुनाफिक का, असर बाकी था दिल में फितना गर के दौरे साबिक का, अदावत रखता था हर वक्त वो हाशम कबीले से, नए फितने उठाता था वो शैतान के वसीले से, शरारत हद से ज्यादा जब उठाई उस सितमगर ने, अरब से तब उसे बाहर किया महबूबे दावर ने, जमाना जब रहा सिद्दीक अकबर की खिलाफत का, नहीं मौका मिला उसको अरब में फिर सुकूनत का,
उमर फारूक का दौरे खिलाफत जिस घड़ी आया तो वो मरवान जालिम खौफे जां से और घबराया। अरब से दूर जाकर खुद को पोशीदा किया उसने, शरारत छोड़ दी अपने लिए सीधा किया उसने। उमर ने यूं दिया अंजाम हर कारे खिलाफत को, मिली वुसअत नुमाया अपनी इस्लामी हुकूमत को। फतह चारों तरफ हासिल हुई इस्लामी लश्कर को, कबूल ईरान और रूमा ने किया दीने पैगंबर को। खिलाफत 10 बरस करके जहां से कूच फरमाया, खिलाफत 10 बरस करके जहां से कूच फरमाया, खिलाफत 10 बरस करके जहां से कूच सुना। इब्ने हकम मरवान जो बहुत चालाक इंसान था, उसकी नियत में वही बदी थी शुरू से, और वो हाशिम खानदान से बहुत जलता था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, फिर हजरत उमर फारूक के जमाने में वो दाखिल नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद जब हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया तो क्या हुआ, जरा समाज फरमाइए। उमर फारूक की रहलत की जब हर सू खबर पहुंची, हुई मरवान को बेहद खुशी घर को हुआ राही। अरब में आके फिर उसने शरारत की बिना डाली, खिलाफत जब मिली उस्मान को तो पाई खुशहाली। वो रिश्तेदार था उस्मान का जब बन गया मुंशी, अंगूठी उसने गुम कर दी शहनशाहे दो आलम की। खिलाफत की किसी तहरीर पर मोहर उससे लगती थी, उसे गुम करके उसने दूसरी फिर और बनवा ली। हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी जो हर खलीफा को मिली, और खिलाफत की मोहर उसी अंगूठी से लगती थी, मरवान ने क्या किया, इस अंगूठी को चुरा कर उसी जैसी एक दूसरी अंगूठी बनवाई, और फिर उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। हुई अब हर तरह मरवान को आजादियां हासिल, किए माजूल उसने जितने भी थे हाशमी आमिल, उठाए ऐसे फितने के शहादत पाई उस्माने, अली और मुआविया के दरमियां जंग उसने करवाई, हुई जंगे जमल कुछ आग उसने ऐसी भड़काई, तिफरका ऐसा डाला उसने सारी कौम के अंदर, मुसलमानों में खूनरेजी हुई उसकी शरारत पर, हुए
मस्जिद में दाखिल जब सहर को हजरत हैदर तो छुप कर वार एक जालिम ने फौरन कर दिया उन पर लगी तलवार सर पर जख्म काफी हो गया गहरा अली शेरे खुदा के सर से निकली खून की धारा हुई तकलीफ इतनी गैर हालत हो गई उनकी हुई तकलीफ इतनी गैर हालत हो गई उनकी हुई तकलीफ इतनी गैर हालत हो गई उनकी तो फिर 21 रमजान को शहादत हो गई उनकी We'll be right back.
حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ اب اس میں قوم کی ملت کی بربادی ہے, جنگ ٹالنے کے لحاظ سے آپ نے خلافت سے استعفیٰ دے دیا اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے. جب حضرت امام حسن خلافت سے سبکدوش ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس مروان نے کیا کیا, سماعت فرمائیے گا. ملی حضرت حسن کو جب خلافت سے سبکدوشی تو سر پر آ گئی مروان ظالم کی ستم کوشی, دیا مروان نے کٹنی کو لالچ مال کا زر کا, کہا تو خاتمہ کر دے حسن سبوتے پیمبر کا, حسن کی بیوی اسما کو بتانا رازداری سے, حسن کے گھر میں تم محروم ہو بادے بہاری سے, یزید بن معاویہ سے تم انعام پاؤ گی, بنو گی ان کی ملکہ زندگی بھر عیش اٹھاؤ گی, وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ کو بھیجا ہے, تمہیں ملکہ بنانے کی دلی ان کی تمنا ہے, سنو تم بات میری زہر دے دو اپنے شوہر کو, بنو ملکہ رہو محلوں میں چھوڑو اپنے اس گھر کو, گئی کٹنی حسن کے گھر دیا پیغام بی بی کو, بتایا اس نے سب آغاز اور انجام بی بی کو, حسن کی بیوی اسما نے جو دیکھا خواب محلوں کا, حسن کو زہر دینے کا بنایا اس نے منصوبہ, اسونیا نے اسما کو بڑی حکمت سے بہکایا, وہ اپنا کام کر کے آ گئی تو مال و زر پایا, ملا کر زہر خرموں میں دیا اسما نے شوہر کو, بڑی تکلیف پہنچی زہر سے سبت پیمبر کو, پائی حسن ابن علی نے رب کی رحمت سے, پائی حسن ابن علی نے رب کی رحمت سے, پائی حسن ابن علی نے رب کی رحمت سے. امام حسن کی بیوی اسما کو یہ کہو کہ یزید تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور تم اپنے شوہر کو زہر دے دو, تو اس کٹنی نے کیا کام کیا, بہکایا جا کر حضرت اسما لالچ میں آ گئی محلوں کے, انہوں نے حضرت امام حسن کو زہر دیا, لیکن آپ اپنے نانا جان کے روزے پر جا کر ان کی تربت سے اپنا منہ ملتے ہیں, پروردگار عالم ان کو شفا بخشتا ہے, لیکن اسی طریقے سے چار بار ان کو زہر دیا گیا, لیکن آخری بار جو زہر دیا گیا تھا وہ یزید کے یہاں سے آیا تھا, اور وہ کیسا زہر تھا اور اس کے پینے سے کیا ہوا, سماعت فرمائیے. حسن کے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے بار بار اس نے, کیا جا
चौथी दफा फिर जहर देकर बेकरार सुने। तबीयत थी अली उनकी बवक्ते शब थे बिस्तर पर, लगी जब प्यास तो पानी सुराही से पिया उठकर। पड़ा था जहर उसमें तेज जो इस माने डाला था, जो मिन जानिब यजीद सुमा को खुद मरवान ने भेजा। पिया पानी तो एकदम चीख निकली मुंह से शब्बर के, कलेजा थाम कर बेचैन हो के वो बहुत तड़पे। हुसैन बुने अली और बहन जैनब दौड़ कर आए, हसन की देख कर हालत सभी घर वाले घबराए। हुई जब कहे तो सब टुकड़े जिगर के आ गए बाहर, गिने टुकड़े तो उन टुकड़ों की थी तादाद सब 70। हसन का देख कर ये हाल सबने होश थे खोए। हुसैन बुने अली एकदम लिपट कर बाई से रोए, कहा क्यों बेकसी के हाल में रुख मोड़े जाते हो, हमें किसके सहारे इस जहां में छोड़े जाते हो। हमारा कौन होगा हम नवा जब तुम नहीं होगे, हमें अब कौन देगा मशवरा जब तुम नहीं होगे। मेरे भाई जमाना जिस घड़ी हमको सताएगा, हमारी सरपरस्ती के लिए फिर कौन आएगा। किसने आपको किसने सताया है, दिया है जहर किसने आपको किसने सताया है, दिया है जहर किसने आपको किसने सताया है। हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है, हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है, हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है, दिया है जहर किसने आपको किसने सताया है, दिया है जहर किसने आपको किसने सताया है, दिया है जहर किसने आपको किसने सताया है। हसन इब्ने अली ने ऐ मेरे भाई, बताऊं नाम किसका सब्र ही अब कीजिए भाई। खुदा इंसाफ करने वाला है इंसाफ कर देगा, मेरा बदला मेरे दुश्मन से बस अल्लाह ले लेगा। किसी पर शक न करना मत किसी को भी सजा देना, मेरे भाई जहां को सब्र के मानी बता देना। हुसैन अब तुम हो तन्हा दुश्मनी पर ये जमाना है, बाहर सूरत तुम्हें अब दीन की कश्ती बचाना है। सुपुर्दे रब किया तुमको मेरे भाई ना घबराओ,
यही तकदीर में लिखा था भाई सबको समझाओ। मिला है शुक्र का हमको सबक महबूबे दावर से, मिली है सब्र की दौलत हमें दामाने मादर से। अली शेरे खुदा की शान दुनिया को दिखा देना के जोरे हाशमी से कुफर की चूले हिला देना। मुझे गम है कि मैं तुमको भंवर में छोड़े जाता हूँ, मुझे मालूम है मैं दिल तुम्हारा तोड़े जाता हूँ। करोगे रहबरी और सरपरस्ती तुम ही सब घर की, अली अकबर की और कासिम की सब आले पैगंबर की। मुझे मालूम है नाना ने मुस्तकबिल बताया है, निहायत राजदारी से मुझे एक दिन सुनाया है। कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे, बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे, बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे। से सुन ऐ मेरी माँ जाई, हमेशा को बिछड़ता है मेरी ज़ैनब तेरा भाई। मेरी प्यारी बहन मेरी खताएं दर गुजर करना, निहायत सब्र से अब जिंदगी अपनी बसर करना। तेरा भाई हसन अब इस जहां से जाने वाला है, जरा सुन गौर से एक वक्त ऐसा आने वाला है। हुसैन बुने अली पे होगी उर्श एक जमाने की, बनेगी सल्तनत दुश्मन मोहम्मद के घराने की। यजीद अब अपनी ताकत से सदाकत को मिटाएगा, मेरे भाई पे ज़ैनब बहन ऐसा वक्त आएगा के पांव के तले की होगी दुश्मन एक चींटी भी। बाहर सूरत तू करना सरपरस्ती अपने भाई की, समझदारी है तुझ में नाना से तालीम पाई है। अली की लाडली है फातिमा जहरा की जाई है, गले मिल मिल के ज़ैनब जब हसन भाई से रोती थी तो उनको देख कर सैदानियां सब होश खोती थी। बुलाकर फिर हसन ने अपने कासिम को ये फरमाया, तुम्हारे सर पे मैं अब छोड़ता हूँ भाई का साया, चचा का साथ ऐ नूरे नजर तुम उम्र भर देना। जरूरत आ पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना। कहा से दो भाई
भाइयों की हाय अब जोड़ी बिछड़ती है। हसन ने फिर बुला कर तखलिए में बीवी इसमा को कहा, तूने पिलाया जहर जो फरजंदे जहरा को, तुझे अब तेरी मंजिल जिंदगी भर मिल ना पाएगी, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएगी, हुई गुमराह तू लालच में ख्वाबे ऐशो इशरत से, मगर गुजरेगी तेरी जिंदगी दुनिया में जिल्लत से, यजीद अब तुझको ठुकराएगा देखेगा हिकारत से, तेरा पुराना होगा मुद्दा मेरी शहादत से, तेरे इस जुल्म से जालिम ज़मीं की हिल गई छाती, नजर के सामने से जा तेरी सूरत नहीं भाती, ये सुनकर हट गई सुमा सभी घर वाले फिर आए, सभी छोटे बड़ों ने रंजो गम से अश्क बरसाए, कहा भाई से मेरी मौत पर तुम सब्र कर लेना, मेरे कासिम की अपनी कुबरा से तुम शादी कर देना, थे उस दम को तुम्हें शब्बीर की बेचैन थे शब्बर, मदीने वाले घर में आ रहे थे ये खबर सुनकर, वो दहने पाक जिसको चूमते थे मुस्तफा प्यारे, हुआ था सब्ज रंगे सुम्मे कातिल जहर के मारे, कलेजा कट गया और खून खारिज हो गया सारा, बदन सब सब्ज रंग का हो गया फरजंदे जहरा का, बहुत तकलीफ थी था में हुए थे कल्बे मुज़्तर को, सभी थे अश्क अफशां देख कर सिबते पयंबर को, सुकून हासिल हुआ एकदम तसल्ली सी नजर आई, फिर आंखें बंद कर ली उनके चेहरे पर खुशी छाई, तसव्वुर में था उनके उस घड़ी जलवा मोहम्मद का, तसव्वुर में था उनके उस घड़ी जलवा मोहम्मद का, तसव्वुर में था उनके उस घड़ी जलवा मोहम्मद का, खुदा से जा मिले पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का, हो जाती है
इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत इमाम हसन की शहादत हुई, उसके बाद हजरत अमीर मुआविया जो उस वक्त खलीफा थे बीमार हुए, और उन्होंने अपने बेटे यजीद को बुलाकर क्या समझाया, मुलाहिज़ा फरमाइए। हुए बीमार मुल्के शाम में हजरत मुआविया, यकीन उनको हुआ अब वक्त मेरा आखिरी आया। यजीद अपने पिसर को पास बुलवा कर ये समझाया, कुरान पाक और इस्लाम के कानून पर चलना। खलीफा अबू बकर ने जिस तरह बेटे खिलाफत की, उमर फारूक ने जिस तरह से अपनी अदालत की, उसी सूरत से तू अपनी हुकूमत को चलाएगा। शरीयत पर मोहम्मद की अमल करके दिखाएगा, खुदा के हुक्म से तू कभी मत मोड़ना बेटा। खिलाफे शरा जो आदत है उसको छोड़ना बेटा। जवाब सुने दिया तुर्शी से बस कुरान काफी है, खिलाफत से किसी की क्या गरज ये मेरी मर्जी है। ये सुनकर मुआविया को दुख हुआ, फौरन ये फरमाया, मुझे लगता है तू आले नबी पर जुल्म ढाएगा। यजीद उठ कर गया बोला ना कुछ भी बाप से अपने, बड़ी हैरत हुई वालिद रहे अफसोस ही करते। शिकारी साथ लेकर चल दिया और बाप को छोड़ा, गया सहरा की जानिब तेज दौड़ाता हुआ घोड़ा। गए अफसोस करते मुआविया इस तारे पानी से, यजीद अब और भी पेश आया अपनी बदगुमानी से। अपने नफ्स का ताबे था उसको जो में ताकत था, अपने नफ्स का ताबे था उसको जो में ताकत था, वो अपने नफ्स का ताबे था उसको जो में ताकत था। जहां से कूच जब फरमा गए हजरत मुआविया, बिसर को राज सब समझा गए हजरत मुआविया। यजीद बुने मुआविया ने अपनी शाने नुखवत में, खिलाफत को बदल डाला विरासत की हुकूमत में। हुकूमत के नशे में हो गया गुमराह वो ऐसा, शरीयत के उसूलों की कोई परवाह ना करता था। बिगाड़ा में कशी ने उसको वो ओबाश बन बैठा, उसे असमत दरी अच्छी लगी अय्याश बन बैठा। अरब के सारे सूबों में नए अहकाम भिजवाए, बड़ी सख्ती से मेरे हुक्म को नाफिज किया जाए। मेरी बैयत करा के सबसे लो अहदे वफादारी,
खलीफा हूँ। जबरदस्ती ले बैत हाकिमों को हुक्म देता हूँ, बगावत जो करे कोई तो उसको कत्ल कर डालो, करो फौरन अमल इस पर मेरा ये हुक्म मत टालो। हुसैन बुने अली अब्दुल्ला बिन बूबकर को देखो, जुबैर हजरत उमर के बेटे, इन चारों से बैत लो। कोई गफलत ना होने पाए, सब कुछ एकदम कर दो। तामुल जो करे कोई तो उसका सर कलम कर दो। यज़ीदी हुक्म जब पहुंचा मदीने के गवर्नर को, यज़ीदी हुक्म जब पहुंचा मदीने के गवर्नर को, यज़ीदी हुक्म जब पहुंचा मदीने के गवर्नर को, बुलाया उसने इज्जत से जनाबे इब्ने हैदर को, बुलाया घड़ी शहरे मदीना के निगहबां थे, वलीद इसमें गिरामी था, वो अच्छे नेक इंसान थे। हुसैन इब्ने अली जिस दम गवर्नर के यहां पहुंचे, गवर्नर ने उन्हें दरबार में बिठलाया इज्जत से। यजीदी हुक्मनामा फिर सुनाया इब्ने हैदर को, दिया शब्बीर ने फिर ये जवाब उस दम गवर्नर को। यजीदी सल्तनत के पहले मैं हालात देखूंगा, करेंगे और सब बैत तो उसके बाद सोचूंगा। ये फरमा कर हुसैन इब्ने अली घर को चले आए, जो अपने खैर ख्वाह थे उनको सब हालात बतलाए। गवर्नर के यहाँ दरबार में मरवान बैठा था, हुसैन इब्ने अली निकले तो वो मरदूद ये बोला, हुसैन इब्ने अली को किस लिए जाने दिया तूने, जबरदस्ती नहीं बैत कराई क्या किया तुमने, कराते उनसे बैत या गिरफ्तार उनको कर लेते, अगर आमादा होते लड़ने पर तो उनका सर लेते। वलीद उस वक्त आए तैश में बोले के तुम जाओ, अगर हिम्मत है तो रस्ते में होंगे तुम पकड़ लाओ। मैं गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता, गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता, मैं गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता। नबी के घर का बच्चा भी किसी से डर नहीं सकता, नबी के घर का बच्चा भी किसी से डर नहीं सकता।
गवर्नर है। मोहम्मद के घराने का असर कुछ उसके ऊपर है। कभी बैत करा सकता नहीं सबसे मदीने में। मुखालिफ लोगों की उल्फत भरी है उसके सीने में। गवर्नर को किया माजूल दरबारे खिलाफत से। किया मरवान ने ये काम जहरीली अदावत से। खलीफा दोम अव्वल के पिसर भी थे मदीने में। वहीं इब्ने जुबैर सुदम थे गम था उनके सीने में। मदीने से वो तीनों रात में मिलकर चले बाहम। मदीना छोड़ कर जाने का उन सब के लिए था गम। रहे मक्के में जाकर और यजीदी हुक्म ठुकराया। लगे इब्ने जुबैर ऐलान करने खुद खिलाफत का। हुसैन इब्ने अली हाजिर हुए नाना के रोजे पर। कहा रो रो के नाना आज हमसे छूटता है घर। हुकूमत आ गई है जालिमों जाबिर के हाथों में। ना दूंगा हाथ अपना फासिको फाजिर के हाथों में। मदद फरमाइए के इम्तहाने सख्त है मेरा। जमाना मेरा दुश्मन और नाजुक वक्त है मेरा। मदीने पर उदासी थी दरो दीवार रोते थे। मदीने पर उदासी थी दरो दीवार रोते थे। मदीने पर उदासी थी दरो दीवार रोते थे। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम को जब मदीने में ज़्यादा परेशान किया जाता है तो आप फैसला करते हैं मदीने से मक्का जाने का। आप अपने नाना के रोज़े पर सलामी देने के बाद मक्के की तरफ चल देते हैं। कई दिन का ये सफ़र तय होता है और जब आप के आने की खबर मक्के वालों को मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन उधर मरवान यजीदी फौज लेकर आ जाता है। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह ने एक लश्कर तैयार किया। बड़ी घमासान की लड़ाई हुई और हजरत जुबैर बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। सभी इस्लाम के गाजी यजीदी फौज को खदेड़ देते हैं। यजीदी फौज के काफी सिपाही इस जंग में काम में आते हैं और जो बाकी रह गए थे वो जान बचाकर शाम को भाग जाते हैं। हुसैन इब्ने अली को अभी कुछ रोज ही हुए थे मक्के में आए हुए तो कूफा वालों ने ये खबर भेजी कि ए हुसैन इब्ने अली हम आपके हाथ पर बैत होना चाहते हैं, आप यहाँ तशरीफ ले आइए। हजरत इमाम अली मकाम के पास इसी तरीके से जब 150 खत आते हैं कूफे वालों के तो आप अपने भाई मुस्लिम को वहाँ भेजते हैं। हजरत इस वक्त आप बिनाए करबला शहादत वॉल्यूम 4 का आखिरी बंद सुनने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके फौरन ही बाद यानी अगले महीने में हम आपको हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक का वाकया और शीरी का वाकया पेश करेंगे। लीजिए ये आखिरी बंद समाप्त फरमाइए और इंतजार कीजिएगा अगली कैसेट का। कहा लब्बैक सबने हजरत मुस्लिम की बातों पर। हजारों लोग बैत कर चुके मुस्लिम के हाथों पर।
खबर आई है मुस्लिम की यहाँ माहौल अच्छा है। खतों में जो भी लिखा था वो उनका कौल सच्चा है। हुसैन अपने बिरादर की खबर सुनकर हुए शादा। सफर करने का चुपके चुपके सारा कर लिया सामा। इरादा कर लिया जब आपने कूफा में जाने का, तो फिर मक्के के लोगों ने उन्हें आ आके समझाया। कहा ये कूफा वाले एक दिन तुमको दगा देंगे, कोई मुश्किल पड़ी तो अहद वो अपना भुला देंगे। तुम्हारे बाप और भाई को धोखा दे चुके हैं वो, उन्हें कूफा बुला कर जान उनकी ले चुके हैं वो। खिलाफत आप मक्के की करें कूफा नहीं जाएं, इतात आपकी मंजूर है कुछ गौर फरमाएं। लेकिन हुसैन इब्ने अली बोले, समझ में कुछ नहीं आता, मुझे जानो जाने दो, मेरा फर्ज कूफे में बुलाता है। कहा सबने, अगर जाना ही है तो ऐसा फरमाएं कि बच्चों औरतों को साथ में हरगिज ना ले जाएं। कहा ये आपने कुछ भी ना होगा, क्यों परेशान हो, बचाने दीन को जाता हूं, तुम क्यों अश्क अफशां हो। बिलाखिर क्या होता है, बिलाखिर हो गई जब आपके जाने की तैयारी, तो मक्के वालों की आंखों से आंसू हो गए जारी। हर कुरोरों के कहता था कलेजा मुंह को आता है, हर कुरोरों के कहता था कलेजा मुंह को आता है, कि हमको छोड़कर शेरे खुदा का लाल जाता है। Oh,